बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एन टी एस ट्रस्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो पेपर शुरू किया है, सीटी का पेपर है, मर्दान डिवीजन में ये पेपर हो चुका है और आज भी पीएसटी का पेपर होने वाला है। जैसे ही पेपर हो जाए, जिन दोस्तों को जो भी क्वेश्चन मिल जाए तो प्लीज जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। आज आखिरी पार्ट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 100 तक। इसके बाद इंशाल्लाह ताला पूरे पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा, लेकिन जहां पर आपको गलती नजर आए तो प्लीज फौरन मुझे कमेंट्स कर लिया कर ले, व्हाट्सएप कर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो को थोड़ी सी जल्दी अपलोड कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखे, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, सॉलिड आयरन, और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 67 देखे, 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर्स ऑफ एड, एक होता है एड और दूसरा होता है लोन, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो है ये सऊदी अरबिया, एक किताब में लिखा हुआ है। एक्चुअल अगर आप देखें नेट पर आपको चाइना मिलेगा, यूके मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम, सॉरी यूनाइटेड नेशन, यूएन, ठीक है, लेकिन बुक में सऊदी अरबिया का जिक्र है, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 68 देखे, एट व्हाट एज अशोका बिकेम अ किंग, एट व्हाट एज अशोका बिकेम अ किंग व्हेन ही वाज ओनली 20 इयर्स ओल्ड, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 देखे, डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड जापान वर एस्टेब्लिश इन 1952, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 70 देखे, 70 ये मिस्र किस शायर का है, वो कुतुबुद्दीन, वो मर्द मुजाहिद जिसकी वहद से, जिसकी हियत, या जिस तरह ये लफ्ज लिखा है, ये किस शायर का है, ये आप पी जलंधरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 71 रंग बू, रंग वह लगा हुआ है तो रूपी मरकब आत भी है, ये ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72 देखे, 72 कपड़े धुल गए, कपड़े धुल गए, ये कौन सा पहल है, कपड़े धुल गए पहली मजहूल है, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 देखे, 73 इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड इज सन ऑफ सन फ्लावर्स इज दोना, एरिया दोना, तो फाइंड द पिरीमीटर, तो पहले इसका साइड मालूम करे, अंडर रूट ले ले, फिर उसको चार से जरब दे दे तो पेरीमीटर आपको आएगा। खैर इंतहाई इजी क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74 डिसिमल फॉर्म ऑफ 143 बेस 8 ऑक्टल में है, तो इसको ऐसा करना है कि बार बार आपने 1 ज़रब 8 जमा 4 ज़रब 8 जमा 3 इस तरह इसको सॉल्व करना है, 4 ज़रब 8 और जमा 3 ज़रब 8। अब 8 की ताकत पावर लगानी है आपने, 0 से शुरू करना है, यहाँ 0, 1 और 2, तो ये आ जाएगा 3 और ये दूसरा आ जाएगा 32 और 8 8 64 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप जमा करें तो 6 3 9 और 9 99 आएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, 75 नंबर, आर एस इज इन्वेस्टेड एट 4% पर ईयर, 700 रुपये आपने इन्वेस्ट किए और आपको पर एक साल में मिलेगा 4% एक साथ, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू रीच 784, तो ये एक साल में आपको 28 रुपये मिलेंगे इंटरेस्ट, एक साल में आपको 28 रुपये मिलेगी, तो इसको आपने 28 को अगर आप 3 से जरब दे दें, 3 8 24 अब यहां पर ये नहीं पता कि ये सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है, और 4 2 3 2 4 8 84, तो 784 3 साल लगेंगे इस पर,
लेकिन ये बात इसमें क्लियर नहीं कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फिर क्वेश्चन इस तरह नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन इस तरह नहीं बनेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 76 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 8x³y² तो 2 और 3 5, ऑप्शन सी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 77 व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 2x² + 1, तो 2x² + 1 इसको डिवाइड करना है आप बार बार, इसको अगर आप हल करोगे तो आपको आखिर में रिमाइंडर बकाया को कहते हैं, ऑप्शन सी मिलेगा आपको, ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 78 लिखा हुआ है कि ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, इसको एक बनाना है सेंटेंसेस को, तो ही इज वेरी वीक टू वॉक, ये ऐसा भी हो सकता है ही इज टू वीक टू वॉक, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 79 नंबर क्वेश्चन, कैन यू सी डेट डेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, द टॉर्च ऑफ गोल्ड इज बॉर्न, विच फिगुरेटिव डिवाइस इज यूज हियर, यहां पर जो फिगुरेटिव डिवाइस यूज हुआ है दैट इज मिटापर, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 81 एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हेल, सिंगिंग जो है ये इंसानी फितरत है, तो ये पर्सनिफिकेशन हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 82 द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग अ न्यू फ्लावर टुडे, टुडे को डेट डे में तब्दील करना है अपने, द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ न्यू फ्लावर डेट डे, द मास्टर ऑर्डर अ सर्वेंट, यहां पर सिर्फ टुडे ये गलती है इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ न्यू फ्लावर डेट डे। क्वेश्चन नंबर 83 देखे, 83 जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने क़िले क़ामूस तक पहुंचे तो उन्होंने यहूदियों को दावत इस्लाम दी, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 84 देखे, 84 द अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर पेज नंबर आखिरी पेज पर क्वेश्चन नंबर 85 देखे, 85 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार वेनिस, जो है ना मॉर्निंग स्टार, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर देखे 86, क्वेश्चन नंबर 86 व्हाट डज अ मैसून यूज टू कीप अ वॉल वर्टिकल, मैसून मैसन मिस्त्री को कहते हैं, तो ये क्या इस्तेमाल किया है, प्लम लाइन इस्तेमाल करता है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, 87 स्क्रू ड्राइवर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, स्क्रू ड्राइवर इज एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सेल, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर एफ द प्रेशर ऑफ अ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड टू 1/4 आप इट्स इनिशियल प्रेशर, तो ये इनवर्स होता है, प्रेशर और फोर्स एक दूसरे के इनवर्स होता है, तो इसका आएगा ऑप्शन ए 4 times। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, इब्नी बतौता वाज बॉर्न इन मोरक्को, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, 90 ऐसे हुरूफ जो खुशी गम रूपी बजाइए इसको कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी इसको कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, डेसिमल फॉर्म ऑफ 8 degree 15 inch और फुट और ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, अगर इसको सॉल्व कर सको तो खुद सॉल्व करो, काफी टाइम लगेगा, इस पे आपको ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 92 देखे, द पॉइंट वेयर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड इंसेंटर, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 93 देखे, 93 फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विच इज एडजेसेंट फ्रॉम, तो इसका मिड पॉइंट मालूम करना है, एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू उसको जमा करना है, इसी को अगर आप फॉलो, ये क्वेश्चन पहले भी आया था इस तरह क्वेश्चन, लेकिन उसमें क्लियर कट लिखा था मिड पॉइंट, ठीक है,
यहां पर क्लियर नहीं लिखा कि मिड पॉइंट, तो इसका ऐसा है कि ये दोनों जमा करें जीरो और तीन इसको दो पे डिवाइड करें, तीन को दो पे डिवाइड करें तो वन ओवर फाइव पाएगा, वन ओवर फाइव इसमें बस सी ही है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तीन और एक जमा के चार और दो पे डिवाइड करें तो दो आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 94 व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपको ऑप्शन नजर आएगा ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 95 देखे, सॉल्व 75-9, इसमें टी की वैल्यू अगर आप फाइंड लगा लो, इसमें ये भी सॉल्व करो, पहले इसको आप ज्यादा दे दें आपस में, फिर इसको इक्वेशन से एक साइड और दूसरी तरफ ले चलो, ऑप्शन डी आपको करेक्ट नजर आएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 96 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 96 स्प्रिंग टाइम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, तो ये नाउन प्रेज है और नाउन प्रेज की ये पहचान है कि इसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, जिस तरह इसकी जगह आप इसको हटाएं इसके लगा ले इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यह नाउन प्रेज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 97 द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू इन पीसी केबल इज, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग जो है दैट इज ऑप्शन ए विदाउट मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 98 वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट हेल्प कैरी अ थॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिवाइस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑप्शन बी। और 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द प्रेस इन द फॉलोइंग प्रेस, इसमें अपने प्रेस को पॉइंट करना है बाय वर्चू ऑफ, बाकी देखिए आई गो कम यू लिव हियर वाहिद ये है जिसका कोई मानी नहीं बनता, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100 द पोएटिक लाइन लिटल ड्रॉप ऑफ वाटर लिटल ग्रेन्स ऑफ सैंड आर टेकन फ्रॉम, ये किस से लिया गया है, लिटल थिंग्स से, ऑप्शन ए। तो इसके साथ पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों, आप दोस्तों ने कमेंट्स करना है जहां पर गलती हो तो कि हम आखिर में पूरे और क्लियर 100% एक्यूरेट पेपर को अपलोड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।